आपने ध्यान दिया होगा, चुनावी रैली के वक्त दूर दराज के इलाकों से लोगों को बसों में बैठाकर शहरों में लाया जाता है। यही सक्रियता कभी बहुसंख्यकों के देश में पर्व त्योहार के वक्त नहीं दिखती, जब मंदिरों के दर्शन के लिए गांव से लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली या दूसरे सामान ढोने वाले वाहन में कुछ रुपए देकर असुरक्षित तरीके से बैठकर निकलते हैं, हादसा होता है तो सरकार मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाने के लिए सख्ती कर देती है। लेकिन बात वही है कि निकली है तो दूर तलक जाएगी। सरकार के फरमान पर जनता का सवाल है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत हो तो कोई क्यों किसी ट्रैक्टर और दूसरी असुरक्षित गाड़ी में जाए? शनिवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा हादसा होता है। मंदिर से दर्शन करके लौटते श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब पलट गई, 26 लोगों की जान गई और फिर उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्देश आया। ट्रैक्टर इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब जो पैसेंजर के रूप में ट्रैक्टर चल रहा है ये एक्चुअली एक तरीके से अवैध है। पर हमारे गांव के लोगों को हम ऐसा चालान नहीं करना चाहते, हम सर्वप्रथम उनको शिक्षित करना चाहते हैं और जिसके लिए हमने अपने सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से रीच आउट करें, सभी को शिक्षित करें, जागरूक करें इसमें कि ये आपके हित में है, आपकी सुरक्षा में है कि आप ट्रैक्टर से पैसेंजर गाड़ी के रूप में ना चलें। आदेश आता है कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, डाला या डंपर पर सवारी भरकर कोई ले गया तो 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जब एक त्वरित रियलिटी टेस्ट करते हैं तो पाते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में उन्हीं वाहनों में बैठकर लोग पहुंच रहे हैं जिनमें जनता की जान खतरे में रहती है, जिनके लिए सरकार रोक रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त चंद्रिका देवी मंदिर के पास है और हमारी गाड़ी की स्पीड इसमें मात्र 20 है। और ये देखिए आगे हमारे, ये देखिए हम इन्हीं डालों की बात कर रहे हैं, किस तरह से छोटा हाथी है, 2 बैक टू बैक आपको गाड़ी के आगे हमारे नजर आएंगे और आप देखेंगे किस तरह से इसमें गांव वालों को भरा गया। इसमें महिलाएं ज्यादा है, आगे छोटी सी बच्ची आपको लटकी हुई खेलती हुई नजर आएगी और ये आगे वाली ट्रॉली को देखेंगे तो खचाखच भरी हुई है। अगर मानकर चलिए झटका भी लगता है तो ये कैसे पीछे की तरफ गिरेंगे और कितनी इनको चोट आएगी ये भगवान ही जान सकता है। देश के तमाम हिस्सों में आखिर क्यों बड़े व्रत, धार्मिक उत्सव, त्योहार के वक्त ऐसे असुरक्षित रूप से सफर करने के लिए नागरिक मजबूर होते हैं? असली सवाल यही है, क्यों बच्चों को यूं मंदिर तक खतरे का सफर कराते हुए लाना पड़ता है? इस टेम्पो जिसे अधिकतर उत्तर भारत में डाला या छोटा हाथी कहा जाता है, इसमें कितने लोग बैठ कर आए हैं देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा ये जो कर रहे हैं हम नहीं, हम लोगों के लिए भी कुछ हो फायदा। ये तो वही तो हम पूछ रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, कोई बस खड़ी हो जाए वहाँ पे, चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं भाई, हमारे पास इतना बचत नहीं है तो क्या करे, डाले ही में चले आए हैं। आस्था, व्रत, त्योहार, पूजन, भजन और कीर्तन के देश भारत में आर्थिक समस्या और सार्वजनिक परिवहन की कमी, ये 2 बड़ी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से नागरिक जान जोखिम में डालते हैं। और जिस देश में बड़े उद्योगपति की हादसे में मृत्यु के बाद कारों में 6 एयरबैग लगाने वाले नियमों को शुरू करने की तैयारी होने लगी, वहाँ आम नागरिक की सुरक्षा के लिए नियम बनाकर पालन भी पूरी तरह नहीं कराया जा पाता, उसकी गवाही इन तस्वीरों में है। चंद्रिका देवी मंदिर के गेट पर ही ये डाला या टेम्पो जो आप कहना चाहें कहिए, देखिए चला रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं। पूरी की पूरी आप देखेंगे ट्रॉली भरी हुई है, पीछे भरे हुए लोग हैं, 10, 12, 15 लोग आपको यहाँ पर लगातार नजर आ रहे होंगे। कि जो ये दर्शनार्थी आते हैं इनके लिए नवरात भर कम से कम, वैसे तो रोज बस चला दें या 2 बसें चला दें तो ये लोग इस पर बैठेंगे नहीं। मतलब 16 दिन जो साल के होते हैं नवरात्र के, उसमें आप चाहते हैं सरकार एक बस चला दे, एक नहीं 2-3 बसें चला हुआ, एक भी कहाँ पर चला कम से कम, फिर आप लोग इस पर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये मजबूरी आप लोग सुरक्षित है और क्या, ये धूप खा रहे हैं कैसे मजबूरी न हो, धूप खाएगा कोई, हमको आप बैठा दीजिए चल बैठेंगे इसमें। ऐसे एक साथ आने कोई साधन नहीं मिलता आप लोग? कौन साधन मिले, जो साधन मतलब तुम लोग वह कर रहे हो।
सच्चाई बस यही है, जहां चुनावी रैलियों में वोटर के लिए बसों का इंतजाम हो जाता है, वहां धार्मिक पर्व त्योहार के वक्त ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए बस की व्यवस्था हो जाए तो कोई भी नागरिक यू ट्रैक्टर, डाला, टेम्पो, छोटा हाथी में अपनी जान खतरे में डालकर दर्शन करने ना पहुंचे। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, फतेहपुर आज तक।